हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मेघा क्विजिंग कॉर्नर। आज मैं बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन स्पेशल पोंगल। पोंगल मतलब चावल की खीर। जैसे हम मकर संक्रांति में तिलगुल बनाते हैं, वैसे ही साउथ इंडिया में चावल की जो पहली फसल आती है उससे खीर बनाई जाती है, इसे पोंगल कहते हैं। ये पोंगल वैसे तो दो प्रकार की बनाई जाती है, एक तीखी पोंगल और मीठी पोंगल। हम यहाँ पर स्वीट पोंगल बनाएंगे, यानी कि मीठी पोंगल। तो चलिए शुरू करते हैं पोंगल बनाना। यहाँ पर मैंने पोंगल बनाने के लिए एक कटोरी चावल लिए है। चावल को अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि भून लेना है। उसके साथ मैंने लिए एक चम्मच मूंग दाल। मूंग दाल को भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चावल और दाल अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक कुकर। कुकर में डाला है मैंने 2 टीस्पून घी। अब डालेंगे 1 लीटर पानी। पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक के बाद चावल और दाल को धोकर डालेंगे। कुकर की 4 सीटी होने तक हमें इसे पका लेना है। हमारे चावल पक रहे हैं, तभी मैंने लिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, उसमें काजू बादाम और पिस्ता और ड्राई कोकोनट। कढ़ाई में 2 चम्मच डाला है घी। घी डालकर ड्राई कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। मैंने ली है यहाँ पर 1 कटोरी चीनी। अगर इसे ग्राम से मापा जाए तो ये 250 ग्राम है। आधी कटोरी चीनी को मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालूंगी और 4-5 इलायची डालकर पीस लूंगी। कुकर की 4 सीटी हो गई है और हमारे चावल अच्छे से पक गए हैं। अब चावल को 1 चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर लेना है। देखिए हमारे चावल कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं, सॉफ्ट और मुलायम हो गए। मैं यहाँ पर डालूंगी चीनी और पिसी हुई चीनी का पाउडर। इसे मिक्स करेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध मैंने यहाँ पर पहले तो 1 लीटर से थोड़ा सा कम डाला था, 1 कप मैंने बचा कर रखा है साइड में। अब दूध और चावल को करेंगे मिक्स। चावल मिक्स हो गए और घी खीर हमारी गाढ़ी बनी है, इसलिए मैंने वो बचा हुआ 1 कप दूध था वो भी खीर में डाल दिया है। खीर को हम 2 मिनट पका लेंगे। खीर तैयार है। अब मैं करूंगी इसे 1 कटोरी में सर्व। साउथ इंडिया में इस खीर में जैसे मैंने 1 चम्मच मूंग दाल डाली थी, उसी के साथ 1-2 चम्मच चना दाल भी डालते हैं, पर मैंने यहाँ पर नहीं डाली। अगर आपको ट्रेडिशनल स्टाइल में बनानी है तो आप उसे ज़रूर डाल सकते हैं। खीर को कर लिया है सर्व। अब हम सजाएंगे इसे
काजू बादाम और ड्राई कोकोनट जिसे हमने कर लिया था फ्राई। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।